केंद्रीय मंत्रिमंडल नई दूरसंचार नीति ने दी मंजूरी। 2022 तई 40 लाख नवा रोजगार रा मौका मुहैया करावारो राख्यो गयो लक्ष्य। एडल्टरी माथे उच्चतम न्यायालय रो बड़ो फैसलो। व्यभिचार कानून ने असंवैधानिक करार देता थका अपराध मानमासू कीनो इनकार। कयो महिलारी गरिमा सबसे ऊपर, नहीं करियो जा सके है उनरो अपमान। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण कानीसू बनाया गया पेनोरमा रो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कीनो लोकार्पण। प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से थी कई विधायक रहे मौजूद। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कहो सीसीटीएम सिस्टम माए राजस्थान पुग्यो देश माए तीसरा पायदान माथे। पुलिस मुख्यालय माए मासिक समीक्षा बैठक ने कीनो संबोधित। और राजस्थान में आवता विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर काल भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेनी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति री बैठक। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल री काल हुई बैठक में नई दूरसंचार नीति ने मंजूरी दे दी गई है। इन नई नीति ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 रो नाम दियो गयो है। इनरे तहत 2022 तई 40 लाख रोजगार रा मौका मुहैया करावा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इनरे साथ ही केंद्रीय कैबिनेट जीएसटी सॉफ्टवेयर सिस्टम ने देखवा वाली जीएसटीएन ने 100% सरकारी कंपनी बनावारो फैसलो लियो है। साथ ही चिनेरी मेला खातर 5,500 करोड़ रुपया रो पैकेज दे बारा मसौदा ने भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में आवश्यकता से अधिक चीनी उत्पादन से निपटने के लिए विस्तृत नीति को मंजूरी दी है। शुगर मिल्स जो ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का और हैंडलिंग का, विशेष रूप से एक्सपोर्ट करने के लिए जो उनका खर्चा होगा, उनको विशेष रूप से एक असिस्टेंस दी जाएगी। और इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस टोटल होगी वो 5,538 करोड़ रुपए होगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी है। नीति का मकसद भारत को जोड़ना, आगे बढ़ाना और सुरक्षित रखना है। जो केवल टेलीकॉम सर्विसेज की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन पर आधारित सेवाओं को भी सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए काम आ सके। जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का जो योगदान है अभी तक 6% मोटे तौर पर रहा है। इस नई पॉलिसी के कारण हम अनुमान कर रहे हैं कि 8% योगदान होगा। उच्चतम न्यायालय आज एक अहम फैसला माए व्यभिचार कानून ने असंवैधानिक करार देता थका इनने अपराध मानबासु नाटग्यो है। अदालत री 5 जजारी पीठ कयो कि यह कानून असंवैधानिक और मनमाना तरीका सु लागू करो गयो है। आज मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा री अध्यक्षता वाली बेंच इन मामला माथे सुनवाई करता थका कयो कि पति पत्नी रो मालिक नहीं होवे है। महिला री गरिमा सबसे ऊंची है, जिनरो अपमान नहीं करो जा सके है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विवाहेतर संबंध के लिए दंड का प्रावधान करने वाली धारा को सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने कहा कि धारा 497 समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुख्यमंत्री निवास माथे आज राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण कानीसू बनाया गया पेनोरमा रो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोकार्पण कीनो। इन मौके राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से थी कई विधायक मौजूद हा। हर एक आदमी के मन में उनके लोक देवता, उनके संत, उनके महात्मा के बारे में बड़ी आस्था है। और आजकल की फास्ट मूविंग दुनिया के अंदर हम इन लोगों को कहीं भूल न जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनके लिए वो लोक देवता है या उनके संत है या उनके महात्मा है, उनको याद करते हुए उनका पैनोरामा हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ताकि वहाँ के लोग
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में भी जा सकते हैं। जब वो जाएंगे तो अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को लेके घुमाएंगे, उनको उनके बारे में बताएंगे, कहानियां बताएंगे। पर्यटन दिवस है और पर्यटन दिवस के अवसर पर आज धरोहर प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से जो पैनोरमा किए थे उसमें 16 का निर्माण पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, और 3 ऐसे हैं जिनका शिलान्यास कार्यक्रम किया। इससे हमारे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सामान्य आदमी को हमारे पुरखों के बारे में, इतिहास पुरुषों के बारे में, संतों के बारे में जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक रखी गई। इन मौके गृहमंत्री कटारिया कहो कि लाडला 5 वर्ष में अपराध में कमी आई है। खबर नवीसासु बतला तथा का वणा कहो कि 6000 कॉन्स्टेबल ने वरिष्ठता आधार माथे पदोन्नति दी गई है। बैठक में कई ठावा पुलिस अधिकारी मौजूद है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे ज्यादा संतोष का विषय जो आपने, मैंने दोनों ने अनुभव किया होगा, ये जो बजट में 6000 कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल को उनकी सीनियरिटी के आधार पर और उनकी सर्विस बुक के आधार पर इस प्रकार का मैकेनिज्म अपना करके हमने प्रमोशन किया, और कम से कम समय में 2 महीने में इतनी बड़ी प्रमोशन कर देना और उन सबको जो है ना सेलेक्ट करके उनको फीति भी लगा देना, और अब उनको जो है हम ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं विभिन्न स्थानों पर। जो कोई भी मेडल लेकर के आए उन लोगों को भी हमने प्रमोशन दिया है। उसके साथ साथ हमने अब की बार अच्छे खिलाड़ियों को भी डिपार्टमेंट लेने के लिए प्रयास किया है, और ऐसे बच्चों को भी हमने सेलेक्ट करके जो हमारे मेरिट और हमारे जो मापदंड हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर खेला होगा तो कौन सा मेडल लिया तो कितने नंबर मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है तो उसे कुछ उसके अंक मिलेंगे, और उसके आधार पर हमने उनका सेलेक्शन किया। ये भी हम पहली बार आप लगा CCTN जो स्कीम थी, हम देश में सबसे नीचे पायदान में थे। इवन हम लास्ट से ऊपर एक थे बिहार से, लेकिन बाद के दिन तो ऐसे आए तो हम बिहार से भी पीछे हो गए और हम सबसे अंतिम पायदान पे थे, लेकिन हमने प्रयत्न किया और आज हम देश में 3rd नंबर पर CCTN सिस्टम में हम देश में 3rd राज्य के रूप में हमको स्थान मिला। हमने एक नियम ये बनाया कि कोई भी कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो, एक थाने पे वो अधिक से अधिक 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगर वो टुकड़े टुकड़ों में भी कभी थाने पे रहा है, चाहे कांस्टेबल रहा, फिर कभी ASI आ गया, कभी CI आ गया, कभी SI आ गया, तो उसकी सारे लाइफ पीरियड की जो अवधि है उस थाने के ऊपर वो मैक्सिमम 5 साल है, इससे अधिक वो उस स्थान पर नहीं रह सकता, तो उनको दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास किया है। राजस्थान में आवता विधानसभा चुनाव ने लेर काल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेनी। बैठक में चुनाव खातर रणनीति तैयार करी गई। इन साथ ही बैठक में यह भी फैसलो लियो गयो कि यदि भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव लड़बो चावे है तो वणा आपरो पद छोड़नो पड़ेला। अब प्रबंधन समिति री बैठक हर 15 दिन में वेला। बैठक रे पाछे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया बतायो कि 6 अक्टूबर ने राजस्थान गौरव यात्रा रे अजमेर में समापन रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल वेला। समापन की बैठक में ये तय हुआ कि कोई भी जिला अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर कोई जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो जिलाध्यक्ष से अपने आप को मुक्त करे, उसके बाद ही वो चुनाव के बारे में अपनी बात आगे बढ़ा सकेगा। ये जो प्रबंध समिति जो है, चुनाव प्रबंध समिति जो आज हुई है, उन्होंने ये भी डायरेक्शन और दिया है कि हर 15 दिन में इस चुनाव प्रबंध समिति की बैठक निरंतर हो। और जिला प्रशासन और प्रादेशिक रोजगार और IIS यूनिवर्सिटी रा साझा तत्वावधान में आज जयपुर में कौशल रोजगार और उद्यमिता सहायता शिविर रखो गयो। इन मौके उद्यमिता कानीसो स्टॉल लगाई गई। कई मेला में आया प्रदेश रा करीब 2000 युवा शिरकत कीनी। RSLDC रा निदेशक निक्यान गोहेन, IPS तेजस्वी गौतम, IIS यूनिवर्सिटी रा कुलपति अशोक गुप्ता भी इन भगत मौजूद हा। और MSME रा वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अवसर और चुनौती रा समाधान ने ले रहा आज जयपुर में फिक्की कानीसू फाइनेंस समिट 2018 रखी गई। इन मौके फिक्की रा अतुल शर्मा, रंजीत सिंह भी और भारतीय रिजर्व बैंक रा जनरल मैनेजर प्रमोद किशोर प्रधान से कई लोग आप रा विचार साझा कीना। और आखिर में खास समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल नई दूरसंचार नीति ने दी मंजूरी। 2022 तई 40 लाख नवा रोजगार रा मौका मुहैया करावारो राख्यो गयो लक्ष्य। एडल्टरी माथे सुप्रीम कोर्ट रो बड़ो फैसलो। व्यभिचार कानून ने असंवैधानिक करार देता थका अपराध मानबसु कीनो इनकार। कयो महिला री गरिमा सबसु ऊपर, नहीं करियो जा सके है उनरो अपमान। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का निशु बनाए गए पेनोरमारो आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कीनो लोकार्पण। प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई विधायक रहे मौजूद। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कहो सीसीटीएम सिस्टम में राजस्थान पुग्यो देश में तीसरा पायदान माथे। पुलिस मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक ने कीनो संबोधित। और राजस्थान में आवता विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर काल भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लीनी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति री बैठक। राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।